हम सभी जीवन में कभी न कभी निराशा का अनुभव जरूर करते हैं, थक जाते हैं, जीवन बोझ लगने लगता है, विचारों और शरीर का समन्वय नहीं हो पाता। आप सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहा हूं मैं। उम्र के एक मोड़ पर सबके साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, और फिर जिस बात का समाधान ही ना हो उस पर कैसा चिंतन। पर समाधान है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं उस अद्भुत बादशाह से जिसे हमने या आपने नहीं चुना अपितु प्रकृति ने बादशाह बनाया है। मिलते हैं पक्षीराज बाज से। जब तूफान आता है और सब पक्षी अपना आशियान ढूंढ रहे होते हैं, तब बाज अपने पंखों को फैलाकर बादलों से ऊपर उठ रहा होता है। आपको क्या लगता है, प्रकृति का मन किया और बना दिया बादशाह? बाज को परीक्षा नहीं देनी पड़ती। पर दोस्तों, प्रकृति यूं ही किसी को कुछ नहीं देती, बल्कि उसके लिए उपयुक्त पात्र बनना होता है। बाज को भी ट्रेनिंग लेनी होती है। चलिए चलते हैं पक्षीराज के प्रशिक्षण की यात्रा पर। जब सभी पक्षी अपने नन्हे चूजों को घोंसले में रखते हैं और चोंच में दाना डालते हैं, तब पक्षीराज अपने बच्चों को कमांडो की तरह प्रशिक्षित करता है। बाज अपने नन्हे बच्चों को पंजों में दबाकर धरती से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर उठता है। रफ्तार इतनी तेज के 12 किलोमीटर ऊपर लगभग 7 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। फिर वहां से अपने बच्चे को छोड़ देता है। धरती पर वापस गिरते समय 2 किलोमीटर तक तो चूजे को अंदाजा ही नहीं होता आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर 7 से 9 किलोमीटर की दूरी तक नन्ना चूजा अपने पंख खोलने का प्रयास करता है। पंख धीरे धीरे खुलते हैं, लेकिन अभी नन्नी जान का उड़ना नहीं सीख पाती। धरती से मात्र 500 से 1000 मीटर की दूरी पर जब लगता है बस अब तो जान जाने ही वाली है, अचानक उसी समय इच्छा कर रही माँ बाज चूजे को अपने पंजे की गिरफ्त में ले लेती है और पंखों में छिपा लेती है। मौत के डर के बीच माँ के पंजों की पकड़ और पंख की गर्मराहट एहसास दिलाती होगी माँ होने का मतलब। यही सिलसिला चलता रहता है हाई प्रेशर एंड मैक्सिमम रिस्क का, जब तक कि नन्ना चूजा उड़ना नहीं सीख लेता या फिर नील गगन का बादशाह बनने के लायक नहीं हो जाता। वैसे तो तेज चाल के लिए चीते को जाना जाता है, पर नील गगन में बाज की बादशाहत होती है। बाज सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। वह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज उड़ सकता है। बाज मांसाहारी पक्षी है जो 5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार को देख सकता है और अपने से 10 गुना ज़्यादा वजन वाले शिकार को पकड़कर उड़ सकता है। पुनर्जन्म तो मरने के बाद होता है, पर बाज एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। एक जन्म अपनी माँ से और दूसरा जन्म अपने साहस से। औसत आयु होती है 70 वर्ष। आसमान का बेताज बादशाह 40 वर्ष की आयु तक परेशान हो जाता है। शिकार करने में बहुत दिक्कत होती है। शिकार पकड़ने वाले पंजे भारी और लचीले हो जाते हैं, शिकार पर मजबूत पकड़ नहीं बन पाती। पंख भी बहुत भारी हो जाते हैं। बाज की गर्दन पर पंखों का बोझ इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाज फुर्ती से अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। चोंच आगे बढ़कर नीचे की ओर झुक जाती है। उम्र के 4वें शतक में जब बाज के अपने अंग पंख और पंजे साथ नहीं देते, तब भी बाज के पास विकल्प होता है जीवन बिताने का। बाज गिद्ध की तरह बचा हुआ त्यागा मांस खाकर अपनी उम्र के 30 साल काटे और मृत्यु की प्रतीक्षा करे, भूखे रहकर प्राण त्याग दे, और तीसरा और सबसे पीड़ादायक विकल्प आत्मनिर्माण का, ताकि शेष जीवन भी बादशाह की तरह जी सके। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि पक्षीराज सबसे पीड़ादायक विकल्प को ही चुनता है। अपने पुनर्जन्म के लिए बाज किसी निर्जन स्थान को चुनता है, जहां पहुंचकर वह सबसे पहले पत्थर पर चोट मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। चोंच लहूलुहान हो जाती है, पीड़ा देती है, लेकिन नव निर्माण के लिए यह अति आवश्यक है, जो कि बाज को भली भांति पता है। अब बारी पंजों की। नई चोंच उगने के बाद बाज अपनी नई नवेली चोंच से
लचीले पंजों को नोच डालता है और प्रतीक्षा करता है नए पंजों की आने की। नए पंजे भी आ जाते हैं, फिर पंखों को एक एक करके अपने शरीर से अलग कर देता है। इस तरह 40 वर्षीय बाज पुनः अपनी युवावस्था जैसी फुर्ती और तेजी प्राप्त कर लेता है। लेकिन मित्रों, विचार कीजिए, इतना संघर्ष, इतनी वेदना आखिर किस लिए? ताकि गरिमापूर्ण तरीके से जीवन चलाया जा सके, ताकि बादलों से ऊपर जाया जा सके, ताकि उसे हमेशा बादशाह के रूप में पहचाना जा सके, ताकि मिले हुए जीवन को सही तरीके से जीने की संतुष्टि प्राप्त की जा सके। हमारे पास बाज की तरह चोंच, पंख और पंजे नोचने का विकल्प तो नहीं है, पर विकल्प है आत्मनिर्माण का, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का, निरंतर आगे बढ़ने का। चलिए देखते हैं आखिर बाज से ली गई शिक्षा का प्रयोग जीवन में कैसे कर सकते हैं। बाज अपने बच्चों को तब प्रशिक्षित करता है जब बाकी पक्षी के बच्चे आराम से घोंसले में दाना चुग रहे होते हैं। उसी तरह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी भावी पीढ़ी को और खुद को सफलता के लिए भी तैयार करें। जब बाकी प्रतियोगी आराम कर रहे हों, सामान्य काम को तो सब कर लेते हैं, पर विशेष काम के लिए विशेष प्रयास भी चाहिए। जब बाज एकांतवास में भूखा प्यासा रहकर, दर्द सहकर कठिन समय में बाज का एक ही साथी होता है और वो है धैर्य। हमें भी जीवन में सफल होने के लिए धैर्य की रस्सी को थाम कर निरंतर अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। आखिर धैर्य ही सफलता की कुंजी है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।